हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल तीखा स्वाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन की भरवा मिर्ची। तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। इसे बनाने के लिए मैंने ली है ये मोटी वाली हरी मिर्च। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है, आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है बेसन 100 ग्राम, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है इस तरीके से, बारीक हरा धनिया कटा हुआ, सौंफ, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, बिल्कुल नाम मात्र की लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक और 1 नींबू। तो अभी ये सारे इंग्रेडिएंट हमको चाहिए, ये इजीली आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले तेल डालते हैं 1 चम्मच, और उसमें बेसन को डाल देते हैं और सेक लेते हैं। तो देखिए 1 चम्मच मैंने तेल लिया है, आप इसके लिए घी भी ले सकते हैं। वैसे सब्जी में हम मोस्टली तेल ही यूज़ करते हैं। तो अब इस तेल के अंदर हम बेसन को सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमको सेकते रहना है, तब इसमें थोड़ी खुशबू आने लगे और थोड़ा कलर चेंज हो, उस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, नाम मात्र की लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1 से 1.5 मिनट तक और पकाएंगे, और अच्छे से हिलाते रहेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत खुशबू भी आने लगी है। आप बनाएंगे तो आपको भी आएगी। तो उस टाइम पे आपको इसको बंद करना है गैस को, और अच्छे से मिक्स कर देना है कि इसमें बिल्कुल भी जो लम्स है छोटी छोटी, ये बिल्कुल पिस जाए। देखिए अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने पे इसमें सौंफ जो हमने ली है वो डाल देंगे, और साथ ही जो हमारा अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट लिया है हमने वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हरा धनिया जो बारीक कटा हुआ है थोड़ा भी यूज़ कर लेंगे, कुछ पत्तियाँ भी यूज़ कर लेंगे इसके अंदर ही, बेसन के अंदर ही। और साथ ही नींबू डाल देंगे, नींबू को अच्छे से निचोड़ लेंगे। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो हमने इसमें लहसुन डाला है और इसके साथ नींबू डाला है वो पूरे मसाले में अच्छे से फैले। तो देखिए ये अच्छा सा हमने तैयार कर लिया है, देखिए इस तरीके से, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है। अब इन मिर्चियों को हमने धो लिया था, सुखा लिया था, उसके बाद इनमें इस तरीके से चीरा लगा लेंगे बीच में से, सब में ही चक्कू से इस तरीके से आपको चीरा लगा लेना है। उसके बाद इनको भरेंगे, चीरा लगाने के बाद एक अंगूठे को बीच में रखेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ से इसको भरेंगे, अच्छे से दबा दबा के भरना है कि इसमें अच्छे से मसाला आए। जितना मसाला होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा मिर्ची में, तो इस बात का ध्यान रखें आप। और जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा मसाला लग जाए मिर्ची पे उसे अच्छे से नीचे झटका दें। तो इस तरीके से देखिए इस मिर्ची को हमने भर दिया है। अब ऊपर का एक्स्ट्रा मसाला छिड़का दें, और इस तरीके से सारी मिर्ची हमने भर ली हैं। अब देखिए इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए 2 चम्मच तेल लिया है हमने कढ़ाई में, हल्का सा गरम कर लिया है और मिर्चियों को रख दिया है। देखिए ज़्यादा मिर्ची एक साथ ना डालें, अभी मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हो तो उनको 2 बार में बना लें, लेकिन एक साथ ना डालें, इससे मिर्ची ख़राब हो सकती है या उनका मसाला निकल सकता है। अब इसको ढक के रख देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए एक साइड से ये पक चुकी होगी तो उसको पलट देंगे। तो देखिए किसी बड़े चमचे से नहीं पलटना है, नहीं तो इसका मसाला निकल सकता है। किसी फॉक से या छोटी चम्मच से आपको इसको धीरे धीरे यूँ पलटना है। फिर इसको दूसरी साइड से पकने देंगे, फिर चेक करेंगे तो देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है। गैस आपको बिल्कुल कम रखनी है, इसके अंदर मेन जो रहता है वो उसको तलने पर ही रहता है। गैस जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से सिक पाएंगी। वापस से अब इसको ढक लगा देते हैं, और 1 से 2 मिनट बाद चेक करेंगे और गैस बंद कर देंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, जैसी हमको चाहिए। देखिए दोस्तों ये हमारी मिर्च बनकर तैयार है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।